हमारा तर्जुमान आपकी पहचान। नाज़रीन किराम, जो बाय इलेक्शन बालासोर में गुज़रा, 3 नवंबर को बाय इलेक्शन हुआ, उसके बाद में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और बालासोर में बीजेडी के जो उम्मीदवार थे टुकना भाई सदर एमएलए बने। इन तमाम जो कोशिशें थी बीजेडी को जिताने की, इन तमामों में जो अहम रोल अदा करने वाले थे वो थे शुभेंदु मंगराज भाई, आप सब जानते हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खुशी जो सामने आई है बालासोर वालों के लिए, क्योंकि शुभेंदु मंगराज भाई को बीजेडी के जानिब से स्टेट लेवल वर्कर के जो है प्रेसिडेंट यानी सदर मुंतखब किया गया है, जिसको लेकर सिर्फ बालासोर में नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से कि रोज़ उन्हें नौजवान तबका जो है उनका वेलकम कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, कहीं उन्हें जो है बुलाकर उनका वेलकम किया जाता है, कहीं उनके ऑफिस में आकर, कहीं उनके घर पे आकर उनका वेलकम किया जाता है। इस वक्त हम भी उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं शुभेंदु मंगराज भाई, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शुभेंदु भाई, मंगराज भाई, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में अपना तर्जुमान में। और आपने आपको जब ये पद का जो डिक्लेरेशन हुआ, सबसे पहले आपको कितना खुशी महसूस हुआ, इस पद को लेके आप कितना खुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले मेरा जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनको बहुत सारा मतलब बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो हम लोग, हम जो छोटा परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, तो हम इतना छोटा गांव से निकल के आज बालेश्वर जिला का बीजू युवा जनता दल का जिला अध्यक्ष के रूप में हमको पार्टी ने चुना था और हम सुचारू रूप से ये काम किया था। 4-5 साल हुआ ये काम कर रहे थे इधर, तो ये जो हमारा संगठन था, ये पंचायत लेवल से हम लोग संगठन किया है युवा जनता दल को पूरा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो आज जो बाई इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन में हमारा सीएम का ऑफिस से हमारा जो हमारा पार्टी का संगठन मंत्री है जो प्रणव प्रकाश दास, हमारा वेंकस राय हम जो स्टेट का प्रेसिडेंट है, प्रणव बलवंत राय जो हमारा इंचार्ज ये, और बहुत सारा मंत्री लोग, और ये लोग सब आए थे इधर और करीब 1 महीना तक इधर रुके और काम सब ने मिल के किया। तो आज ये ख़त्म होने के बाद, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, हम लोग का पार्टी का जो स्वरूप दास था उन्होंने जीते, बहुत अच्छा वोट से जीते हैं। तो वो जीतने के बाद फिर हम लोग का संगठन का प्रक्रिया जब हुआ, तो मैं घर में था, मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा, मैं इतना मतलब हमारा मुख्यमंत्री मेरे को यहाँ पर लेके पहुँचाएंगे कि मैं जिला अध्यक्ष था, आज हमको स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया बीजेपी युवा जनता दल का। तो मैं हमारा सीएम को बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो कि एक जिला में काम करने वाला, एक गांव से निकल के एक लड़का जो जिला में काम किया, उनको लेके इतना बड़ा पद में हमको रखा, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। हमारा जिला का अध्यक्ष जो आर के जना सर, उनको भी धन्यवाद देते हैं। जिला का मंत्री ज्योति प्रकाश पानीगिरी है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी एमएल लोग हैं, ये सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन सबका आशीर्वाद हम लोग के साथ था और हम लोग पार्टी के लिए काम किया है, बीजेडी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है। ये तो बहुत बड़ी बात रही कि मंगराज भाई आपने कहा कि आप जिला लेवल का काम कर रहे थे, और जैसे कि बालासोर वाले जानते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से हो कि हर पल आप चाहे सामाजिक कामों में हमेशा जुड़े रहते थे और लोगों के साथ में रहते थे, चाहे कोई, क्योंकि जब अजीमाबाद के जो पुल के मामला था, जब वहाँ पर जब आंदोलन हुआ वहाँ पर भी आप पहुँचे, चाहे ब्लड डोनेशन के, वो हर तरह का सामाजिक काम में आप जुड़े हुए लोग जानते। तो आपको जब ये पद मिल चुका है, इस वक्त नौजवानों का जो लीड कह लिया जाए कि नौजवानों को लेकर एक मैंने पूरे राज्य में यानी पूरे रियासत में काम करने का एक सौभाग्य मिला है, तो आप इस काम को कितना आगे लेके जाएंगे, किस तरह नौजवानों को जोड़ेंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का
जो उनका काम करने का तरीका, हम जब बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट थे तब हम कोई पुल का काम हो खराब किया हो, गांव का आदमी के लोगों के साथ रह के आंदोलन भी किया है और कभी ब्लड कैंप भी किया है गरीब आदमी को। जब आपको मालूम होगा बीच में जब हमारा हॉस्पिटल में जो ब्लड नहीं था पूरा ड्राई था, उस टाइम हमको CDM ने फ़ोन करके बोले कि सुभेंद्र भाई हमको अभी 200-300 यूनिट ब्लड चाहिए, तुरंत चाहिए और 2-3 दिन का अंदर में। तो हम लोग आप जो बात बोल रहे हैं बीच में हम तुरंत युवा जनता दल का कैंप किया और उधर 400 से 450 एक ही दिन में ब्लड, एक ही दिन में हम लोग ब्लड दिया था। ऐसा हम लोग का प्रयास हर टाइम चलता था और हम आज स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बालेश्वर में गाँव में, आज देखिए इधर सब पंचायत का लड़का लोग आके बैठा है, तो हम गाँव में हो या शहर में हो कहीं पर भी हो, हमको पार्टी जहाँ पर जो काम में लगाएगा हम पार्टी के लिए काम करेगा। नौजवानों को किस तरह जोड़ेंगे अपने साथ, अब पूरे स्टेट में नौजवानों को किस तरह जोड़ना चाहेंगे, नौजवानों को खासकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज का जो नौजवान हो है ये जो खाली बालेश्वर में नहीं तो उड़ीसा में, वो कल का लीडरशिप लेते हैं स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, हर जगह पे लेते हैं। देखिए हम लोग जैसा काम करके इधर आए हमको लेके स्टेट में आज रख दिया, तो हम अभी बालेश्वर में काम देखते थे अभी पूरा स्टेट में काम देखेंगे और हमारा CM को और कैसा 5th बार 6th बार 7th बार CM बना गया, इसके लिए हम लोग जो भी विजन है हमारे CM का वो काम को फुलफिल करेंगे। जैसे कि इस वक्त आप ही खुद बता रहे हैं कि आप जिला लेवल का काम कर रहे थे, लोगों के साथ जुड़े हैं, पंचायत के साथ जुड़े थे, अभी आपको स्टेट लेवल में आपको बैठा दिया गया, तो आप बालेश्वर से निकलकर कौन कौन से ज़िला में जाने का प्लानिंग है, कौन कौन से ज़िला में जाएंगे, कौन कौन से ज़िला में आप नौजवानों के साथ मीटिंग करेंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे? देखिए अभी हम लोग का जो अपॉइंटमेंट हुआ अभी 4-5 दिन ही हुआ है, हम पहले बार जाके हमारा जो ऑफिस है स्टेट युवा जनता दल का ऑफिस उधर हमारा काम शुरू करके आए हैं, 2-3 दिन हुआ और हम तो कल पहुंचे हैं। आप देखें बालेश्वर में कितना नौजवान हम लोगों को स्वागत किया, इनके लिए बालेश्वर का नौजवान को भी आभारी देते हैं कि हमको मालूम भी नहीं था इतना बड़ा जो स्वागत किया है, इसके लिए हम तो सबको आभारी देते हैं। और हम फिर 2-3 दिन के बाद फिर जाएंगे हमारा ऑफिस उधर, पर ऑफिस जाने के बाद उधर जैसा भी स्टेट का प्लानिंग होगा प्लानिंग के हिसाब से हम लोग पूरा स्टेट का दौरा करेंगे, आपको मालकानगिरी से लेकर मयूरभंज तक, मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट हम लोग जाएंगे और सब डिस्ट्रिक्ट को कैसे नौजवानों को एकजुट करके हमारा BJD पार्टी के कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा हम लोग प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप बोल रहे हैं कि जिस तरह आदेश मिलेगा, मतलब चाहे CM के ऑफिस से या फिर आप लोगों के ऑफिस से जो भी आदेश मिलेगा उस तरह काम करेंगे। मंगराज भाई, एक हमारे चैनल को ज़्यादातर माइनॉरिटी वाले जो देखते हैं, हिंदी वाले देखते हैं, तो जिस तरह का बाय इलेक्शन में माइनॉरिटी का भी रोल रहा, तो इस पर आप माइनॉरिटी वाले को क्या कहना चाहेंगे और खुश मतलब स्पेशली क्या मैसेज माइनॉरिटी वाले को देना चाहेंगे? देखिए सबसे ज़्यादा मैं बालेश्वर म्यूनसिपैलिटी का सब नौजवानों को, सब यूथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले जो चुनाव हुआ था हम लोग इधर 10 से 12 हज़ार वोट माइनस में थे बालेश्वर म्यूनसिपैलिटी में, इस बार वो पूरा टोटली यू टर्न कर गया, हम लोग 12 हज़ार वोट में माइनस थे, 12 हज़ार वोट को मैनेज करके फिर हम लोग इधर 12-13 हज़ार वोट लीड कर गए। और माइनॉरिटी का जो यूथ लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि मैं देख रहा था एक एक बूथ में जैसा कि पूरा 900 वोट पुलिंग हुआ है, 900 में 900 ही मतलब BJD को गिरा है वोट, एक भी वोट किसी को नहीं गया है। तो ये एक बहुत हमारा CM को जो माइनॉरिटी का आदमी भी बहुत प्यार करते हैं, हमारा जो जनरल वोटर भी है वो लोग भी प्यार करते हैं। आप देखिए जो जनरल एरिया भी था पिछले चुनाव में जितना माइनस था, इस चुनाव में माइनस नहीं हुआ, तो ये उड़ीसा में एक प्रूफ हो गया कि हमारा इधर एक ही लीडर है, हमारा CM नवीन पटनायक हमारा लीडर है और हमारा पार्टी एक ही है BJD पार्टी है, इसके सिवा इधर कोई लीडर नहीं है जो CM के साथ रहेगा। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम नौजवानों को, अपने पूरे स्टेट के नौजवानों? हम सबको यही मैसेज देना चाहेंगे, आओ हम सब मिलके रहेंगे और हमारा पार्टी को कैसा स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा CM नवीन पटनायक जी को और आगे लेके जाएंगे। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे शुभेंदु मंगराज भाई जिस तरह अपनी बातें रख रहे थे, उनका आखिर में नौजवानों को जो मैसेज रहा वो कहना चाहते हैं कि आओ मिलकर रहेंगे और मिलकर रहने में जो इत्तेहाद जो जो चीज़ है, जो मजबूती है, वो मजबूती को कायम करेंगे तब जाकर ये हमारा ओडिशा आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही मिशन लेकर शुभेंदु मंगराज भाई आगे बढ़े हैं और अपने साथ सबों को जोड़ना चाहते हैं। कैमरामैन सेकिर खान के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान बालासोर ओडिशा।